Hey Tenthies, welcome to Kelvin. This is Gaurav Sharma. अगर आप एक 10th की स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. देखिए, वी ऑल नो दैट कि जो CBSE क्लास 10th के बोर्ड्स हैं वो कितने ज्यादा नियर हैं. ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 30 से 40 दिन भी अब नहीं बचे हमारे पास बोर्ड्स स्टार्ट होने में. देखिए, कुछ इस तरह के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर ली है. देखिए, दोनों ही कंडीशन में क्या है, एक वो स्टूडेंट जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो वो परेशान होगा कि यार अब मैं क्या पढ़ूं, और उसके लिए तो ये भी है कि अब वो पढ़ेंगे भी क्या. और लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी बहुत अच्छी की है और जो सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए अब ये होगा कि अब वो क्या पढ़े, क्या नया करें. तो देखिए, दोनों के लिए ही इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं जिसका नाम है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द साइंस सब्जेक्ट. तो यानी कि अगर आपने कुछ भी तैयारी अभी तक नहीं की है तो ऑलमोस्ट आपके पास तो वैसे भी टाइम नहीं बचा यार. तो इस वीडियो में जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं आपको, ये वो क्वेश्चन है टेंथेस जो CBSE हर साल लगभग जिन टॉपिक से पूछता है, जिन कॉन्सेप्ट से ये सवाल पूछे जाते हैं, उन 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पे मैं बताने वाला हूं आपको. और लेकिन अब उनको उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर ली और वो क्या चाहते हैं कि यार अब हम नया क्या करें. तो उनके लिए भी ये कि भाई देखो किस तरह के सवाल जो हैं वो हर साल CBSE में पूछे जाते हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और किस तरह के कॉन्सेप्ट जो है वो बार 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 आ रहे हैं. चलिए, तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको इन 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. और इन क्वेश्चंस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके लिए जो है बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाले हैं, दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास समय कम है, जिन्होंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है, और दूसरे वो जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और वो चाहते हैं कि अब हम नया क्या करें. तो नया आप ये करेंगे. और अगर आपको इन क्वेश्चंस को करने के बाद अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं. दूसरी बात ये कि अगर आप इसी तरह के इसी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ हमें और भी क्वेश्चंस करने चाहिए, तो ऐसे कई हजारों सवाल जो हैं वो हमने सॉल्व किए हैं और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो जाइए, चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन, वहां से लिंक को उठाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर कीजिए, उन्हीं तरह के जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है और जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है और उनके पास तो समय भी नहीं है. तो जाइए, गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन. और मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में. सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट विद दिस 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेंथिस. बाय बाय, गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग.